सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। मित्रों, बात करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों ने हमें कमेंट्स करके पूछा है कि अगर कोर्ट मैरिज होने के बाद लड़की अपने बयानों से मुकर जाती है या लड़की मुकर जाती है या घर वालों के पास जाके बदल जाती है तो लड़का क्या करे। ये जाहिर सी बात है, अगर इस प्रकार के किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वो बहुत घबरा जाता है। लेकिन आप इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बिल्कुल घबराहट आपके दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है। कोर्ट मैरिज अगर आप किसी लड़की के साथ भाग के शादी करते हैं या किसी के साथ आप प्यार करते हैं उस लड़की के साथ आप शादी करते हैं, तो पहले तो दोनों की जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, 18-21 होनी चाहिए। उसमें कोई फॉर्जरी नहीं होनी चाहिए, उसमें काट पाट नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने कम है ज़्यादा बढ़ा दी गई, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली बात, अगर ये सारी चीज़ है तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के तरीके हैं कि आपको डर है कि लड़की वाले आपके घर वालों को फंसा देंगे, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, आपको को मार आपसे साथ मारपीट कर सकते, सारे डर होने के बावजूद आप संबंधित जो पुलिस अधिकारी है, या ये भी डर होता है कि पुलिस भी उनसे मिली होकर मिली भगत करके पैसे लेकर आपको दबाव डाले कि आप ऐसा करें, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे, आपको गिरफ्तार कर ले। लेकिन सारे अगर आपके दिमाग में डर है तो आप बिल्कुल SP को एप्लीकेशन दीजिए कि हमें सुरक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को डर है कि कहीं बदनामी नहीं हो जाए, हम किसी के सामने नहीं आना चाहते, हम पुलिस के पास जाना नहीं चाहते। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप किसी भी वकील के माध्यम से, किसी भी एडवोकेट से मिलकर आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज आर्य समाज के मंदिर से कर सकते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करके प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सारी चीजें होने के बाद पुलिस के आपके खिलाफ अगर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है उनके लड़की के घर वाले की तरफ से, तो आपको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लड़की आपके साथ होना जरूरी है। लड़की अगर आपके साथ, दोनों की इच्छा से आपने शादी की है, कोर्ट मैरिज की है, कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप बिल्कुल एक साथ रह सकते हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, नहीं आप अलग हो सकते। लेकिन आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको कोर्ट में रिट पिटीशन दर्ज करनी होगी, या SDO के पास जा सकते हो, या पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को यह डर होता है कि हम जैसे ही पुलिस के पास गए, पुलिस हमें बिठा लेगी, हमें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि घर वालों ने कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं करा दी होगी, सारी चीजें होती है। तो आप एक अच्छे वकील से मिलकर कोर्ट मैरिज करें, प्रोटेक्शन आपको वकील दिलाएगा, सारी चीजें आपको दिलाने के बाद आपके दिमाग में जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है तो आपको पुलिस के पास पेश होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास लीगली डॉक्यूमेंट्स है, आपने कोर्ट मैरिज की है, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, आपके पास प्रोटेक्शन है। सारी चीजें होने के बाद आपके दिमाग में डर निकल जाना चाहिए। अगर पुलिस भी आपको बुलाए तो आपको बेझिझक चलना चाहिए। अब मान लो एक दिमाग में डर होता है आपके कि लड़की अगर बयान से मुकर जाती है तो आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ये भी आपके दिमाग में होता है। बिल्कुल ये सही है कि ये सारे दिमाग में होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये है, अगर बाय चांस अगर लड़की अपने घर वालों के पास जाकर बयान भी बदल देती है, तो आपके पास डॉक्यूमेंटली प्रूफ है, आपके पास डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, मैरिज सर्टिफिकेट है, प्रोटेक्शन है, ये कहाँ छुपेंगे, ये छुप नहीं सकते। अगर लड़की मुकर भी जाती है तो इसलिए दोस्तों कहने का मतलब ये, अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर लड़की मुकर भी जाती है तो आपके पास एविडेंस के तौर पे है कि मैंने कोर्ट मैरिज की है, ये सरकारी दस्तावेज मेरे पास है। लड़की ये नहीं कह सकती ये मेरे साइन नहीं है, ये मैंने कोर्ट मैरिज की, सारी चीजें आपके पास है। इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर लड़की बदल भी जाए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों अगर लड़की के घर वाले लड़की को नहीं भेजते हैं,
भेजना नहीं चाहते तो आप सेक्शन 9 का पिटीशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज की, आपके पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, आप उनको रखना चाहते हैं, पुनर्स्थापना अपने जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप रिट पिटीशन सेक्शन 9 का भी कर सकते हैं। इसलिए इस कानून की आवाज चैनल में जितने भी मेरे व्यूअर्स है, बेझिझक मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई केस है, आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।